Good morning, children. How are you all? Now, today I am going to teach you स्वर. Okay. हमने पहले वीडियो में देखा स्वर कहाँ से देखा हमने अ आ ई ई ये स्वर हमने देखे और आज हम उसके आगे के स्वर देखेंगे. क्या देखेंगे? आगे के स्वर. तो देखिए पहला वाला स्वर क्या है यहाँ पे उ. उ से उल्लू. उ से उल्लू. नेक्स्ट है ऊ. ऊ से ऊन. ऊ से ऊन. फिर देखिए ये कौन सा अक्षर है री. ये कौन सा अक्षर है री. री से क्या आता है री से ऋषि. री से ऋषि. ये वाला है ये अक्षर है ए. ये अक्षर है ए. और ए से क्या आता है एडी. ऐसे क्या आता है एडी. और अगला अक्षर है हमारा ए. अगला अक्षर है हमारा ए. ऐसे एनक. ऐसे एनक. ये सब स्वर हमने एलकेजी क्लास में देखे. अब हम हमको सिर्फ आज क्या करना है इनको फिर से एक बार रिवाइज करना है पढ़ना है और अच्छे से लिखने की कोशिश करना है. तो जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था हमको जब भी हम अक्षर लिखेंगे तो सिर्फ तीन लाइंस के अंदर ही हमको लिखना है. लेकिन कुछ कुछ अक्षर होते हैं जैसे ए है देखो तो ये थोड़ा सा बाहर आ गया तो कुछ कुछ अक्षर ऐसे भी बाहर आ सकते हैं. ठीक है तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे उ. उ से उल्लू. तो हम सबसे पहले यहाँ पर डॉटेड लाइंस के ऊपर हम उनको ट्रेस करेंगे. देखिए कैसे उसे उल्लू. उसे उल्लू. उसे उल्लू. देखो कैसे बनाया टीचर ने उसे उल्लू है ना. उसे उल्लू. उसे उल्लू और उसे उल्लू. तो हम इस लाइन्स के बाहर गए क्या? नहीं, हमने बराबर तीन लाइन के अंदर लिखा है. अब हम अगला अक्षर देखेंगे ऊ. देखो दोनों में क्या फर्क है. ये वाला है ऊ. ये वाला है ऊ. और ये वाला है ऊ. ऊ से ऊन. ऊ से ऊन. तो सबसे पहले हम ये डॉटेड लाइंस के ऊपर लिखेंगे. ठीक है ऊ से ऊन. ऊ से ऊन. इसको थोड़ा नीचे यहां पर बीच में से डंडी देना है. ऊ से ऊन. ऊ से ऊन. अगला अक्षर है री. अगला अक्षर क्या है री. ये लिखने में थोड़ा कठिन है लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो मम्मी पापा की हेल्प से आप लिख सकते हैं. री से क्या आएगा ऋषि. देखो सबसे पहले इसको क्या करना है आपको इस तरह से डॉटेड लाइंस के ऊपर लिखना है और फिर हम इसको देख के नीचे लिखेंगे. ठीक है तो इसको लिखते समय आपको सेवन के जैसे बनाना है. उसके बाद हम इसको थोड़ा सा थ्री उल्टा थ्री लिखेंगे. ठीक है तो ये आपका आसानी से बन जाएगा री से ऋषि. फिर से एक बार टीचर दिखाएंगे. देखिए सेवन की जैसे बनाया एक डंडी दिया और उसके बाद इसको उल्टा थ्री करके लिखना है तो ये बन जाएगा आपका री से ऋषि. री से ऋषि. अगला अक्षर है हमारा ए. ए से एडी. ए से एडी. ए से और क्या क्या आता है बताओ. ए से एक भी आता है ना. तो इसको लिखते समय हमको थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ये ब्लू लाइन के थोड़ा नीचे हमको जाना है. ठीक है तो ए से एडी. ए से एडी. ए से एडी. आप जब भी लिखते हैं तब बोल के लिखना है ताकि आपको अक्षर पहचानने में आपसे गलती ना हो. ठीक है हम जब भी लिखेंगे बोल के लिखेंगे. अभी हमारा अगला अक्षर है ए. क्या है ये ए. ऐसे ऐनक आता है. ए
ऐसे एडम। इसको भी हमको ए के जैसे ही लिखना है, लेकिन हमको यहाँ पर ऊपर एक मात्रा देनी है ना। तो ये बन गया हमारा ऐसे एडम। हम जब भी लिखेंगे तो बोल के लिखेंगे, ताकि हमको अक्षर पहचानने में क्या हो, हमसे गलती ना हो। ऐसे एनक, ऐसे एनक, ठीक है। अब हमारे सारे अक्षर लिखे हैं, अब हम इनको फिर से एक बार पढ़ेंगे और बोलेंगे, ठीक है। उसे उल्लू, उसे उल्लू, उसे ऊन, उसे ऊन, री से ऋषि, री से ऋषि, ऐसे एनक, ऐसे सॉरी ऐसे एड़ी, ऐसे एड़ी, और ऐसे एनक, ऐसे एनक। तो ये आपके पांच अक्षर है, पांच स्वर हो गए, और आपको यही स्वर आपको फिर से एक बार आपकी बुक में लिखना है, यह आपका होमवर्क है। सो चिल्ड्रन, आई होप सो यू ऑल एंजॉय द वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।